केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,43,091 हो गई है। वहीं अब तक 9,900 लोगों की मौत इस संक्रमण से हुई है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया के दौरान दोनों तरफ से हिंसक झड़प हुई। इसमें भारतीय सेना का एक अधिकारी और दो जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना ने अपने बयान में कहा है कि हिंसक झड़प में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बता दें कि बीती रात तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें बुखार और सांस लेने में भी तकलीफ थी। हालांकि इस वक्त उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें अभी भी बुखार है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जुड़े फैसले को असंवेदनशील करार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया कि कोरोना महामारी के समय लोगों की परेशानी को बढ़ाने वाली इस वृद्धि को वापस लिया जाए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में अनबन नजर आ रही है। इसे लेकर शिवसेना ने सामना में कांग्रेस पर हमला बोला है। सामना के संपादकीय में कांग्रेस को खूब खरी कोटी सुनाई गई। भारतीय विमानन नियामक यानी DGCA एयर एशिया इंडिया की जांच कर रहा है, जिसके एक पायलट ने कथित तौर पर कम कीमत वाले विमान के जरिए सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कश्मीरी पंडित सरपंच अजय की हत्या का बदला सुरक्षा बलों ने ले लिया है। इस बात का खुलासा IG कश्मीर विजय कुमार ने किया है। उन्होंने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी उमर था, जिसे हाल ही में मार गिराया गया है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने इसकी पुष्टि की है। हरियाणा में अंबाला स्थित सेंट्रल जेल में दो कैदियों ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आत्महत्या करने वालों में से एक हत्या की तो दूसरा चोरी की सजा काट रहा था। दोनों एक ही बैरक में बंद थे। पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग के दो कर्मचारियों को एक दिन हिरासत में रखने के बाद इस्लामाबाद में छोड़ दिया गया। वहीं अब हिरासत में कर्मचारियों के साथ हुई बदसलूकी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों ने बताया कि हिरासत में कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और उन्हें ये कबूल करने को कहा गया है कि ये लोग एक दुर्घटना में शामिल हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो हर मंच पर कश्मीर राग अलापता रहता है, जबकि कोई भी देश उसका साथ नहीं देता। उसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में कश्मीर का मुद्दा उठाया। इसे लेकर भारत ने उसे लताड़ा और उसके दुस्साहस पर गंभीर चिंता व्यक्त की। ये थी बड़ी खबरें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।